फ्रिडा कालो एक मैक्सिकन पेंटर थी जो अपने कई सारे पोर्ट्रेट्स और सेल्फ पोर्ट्रेट्स के लिए जानी जाती हैं। फ्रिडा मैक्सिकन कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी और उन्होंने बिना फॉर्मल आर्ट एजुकेशन के ही अपनी आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उनकी पेंटिंग्स में हम रियलिटी के साथ साथ फैंटेसी भी देख सकते हैं। फ्रिडा कालो को इसीलिए सरियलिस्ट या फिर मैजिकल रियलिस्ट कहा जाता है। चलिए अब बिना देरी के देखते हैं फ्रिडा कालो की टॉप 10 पेंटिंग्स। दसवें नंबर पर आती है माई ग्रैंड पेरेंट्स माई पेरेंट्स एंड आई। ये पेंटिंग फ्रिडा ने 1936 में बनाई थी। नाम से ही साफ है इस पेंटिंग में फ्रिडा ने अपने पूर्वजों को दर्शाया है। पेंटिंग के टॉप लेफ्ट कॉर्नर और टॉप राइट कॉर्नर में आपको फ्रिडा के ग्रैंड पेरेंट्स दिख जाएंगे। फिर पेंटिंग के सेंटर में आते हैं तो हमें फ्रिडा के पेरेंट्स देखने को मिलते हैं और फिर यही हायरकी चलते हुए फ्रिडा तक आती है और पेंटिंग में हम एक यंग फ्रिडा को खेलते हुए देख सकते हैं। यंग फ्रिडा पेंटिंग में खड़ी हुई हैं और लाल रंग के रिबन को पकड़ी हैं, जो उनकी पूरी हायरकी को कनेक्ट किए हुए है। यही रिबन इनके पेरेंट्स से होते हुए इनके ग्रैंड पेरेंट्स तक जाता है, जो ब्लड लाइन को या फिर खून के रिश्ते को दर्शाता है। यही लाल रंग का रिबन एक अम्बिलिकल कॉर्ड को भी दर्शाता है, जो बच्चे को माँ से जोड़ती है। ये पेंटिंग अब नेशनल म्यूजियम ऑफ वुमेन इन द आर्ट्स वॉशिंगटन DC में देखी जा सकती है। नौवें नंबर पर आती है सेल्फ पोर्ट्रेट विथ क्रॉप्ड हेयर। ये पेंटिंग फ्रिडा ने 1940 में बनाई थी। अपने हस्बैंड डीगो रिवेरा के साथ डाइवोर्स होने के बाद फ्रिडा ने ये पेंटिंग बनाई थी। डीगो को फ्रिडा के लंबे बाल बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए फ्रिडा ने अपनी पेंटिंग में भी और डाइवोर्स के बाद अपने हेयर को क्रॉप करवा लिया था। पेंटिंग में ध्यान से देखें तो फ्रिडा के राइट हैंड में एक सीजर्स है, जिससे ये पता चलता है कि फ्रिडा ने अपने बाल खुद ही क्रॉप किए हैं, और उनके लेफ्ट हैंड में बालों का कुछ हिस्सा है जो दर्शाता है उनके सेक्रीफाइस को। ये पेंटिंग अब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में देखी जा सकती है। आठवें नंबर पर आती है द सुसाइड ऑफ डोरोथी हेल। ये पेंटिंग फ्रिडा ने 1938 में बनाई थी। अब कौन है डोरोथी हेल और क्या है इस पेंटिंग के पीछे की कहानी, चलिए देखते हैं। डोरोथी हेल एक अमेरिकन सोशलाइट थी जो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ और उसके बाद कई सारे फेल हुए रिलेशनशिप से डोरोथी काफी डिप्रेस हो गई थी और 21 अक्टूबर 1938 को उन्होंने इस सबसे परेशान होकर अपने न्यूयॉर्क के लग्जूरियस अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर जान दे दी। अब US की कांग्रेसमैन क्लेयर लूस डोरोथी की एक अच्छी फ्रेंड थी, साथ ही साथ वो फ्रिडा की फैन भी थी। तब उन्होंने फ्रिडा को अप्रोच किया और $400 देकर उनको डोरोथी हेल का पोर्ट्रेट बनाने को कहा, ताकि वो ये पोर्ट्रेट उनके फैमिली को एज अ कंसोलेशन दे सके। लेकिन जब August 1939 को क्लेयर लूस के पास ये पेंटिंग पहुंची, तब वो इस पेंटिंग को देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो एक नॉर्मल पोर्ट्रेट की उम्मीद कर रही थी। क्लेयर ने इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके फ्रेंड्स ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया, और यही वजह है जो ये मास्टरपीस आज हम सबके सामने है। ये पेंटिंग अब फीनिक्स आर्ट म्यूजियम फीनिक्स में देखी जा सकती है। सातवें नंबर पर आती है रूट्स। ये पेंटिंग फ्रिडा ने 1943 में बनाई थी। ये पेंटिंग फ्रिडा की सोच को दर्शाती है कि सारी लाइफ फॉर्म का सोर्स एक ही होता है। इस पेंटिंग में फ्रिडा का धड़ किसी खिड़की की तरह खुल रहा है और एक बेल को उगने के लिए जगह दे रहा है। पेंटिंग में अगर ध्यान से देखें तो उन हरी पत्तियों के अंदर से लाल रंग की रूट्स निकल रही हैं। इन रूट्स में फ्रिडा का खून दौड़ रहा है और ये रूट्स वापस सूखी धरती में जाकर मिल जाती हैं। May 2006 को ये पेंटिंग न्यूयॉर्क के सॉथबीज ऑक्शन में $5.6 million की बिकी। एक एनोनिमस फोन बायर ने इस पेंटिंग को खरीदा था। अब ऐसा माना जाता है कि वो एनोनिमस बायर और कोई नहीं, फेमस पॉप स्टार मैडोना थी। मैडोना के पास फ्रिडा की कई सारी पेंटिंग्स की ओरिजिनल्स का कलेक्शन भी है। छठे नंबर पर आती है विदाउट होप। ये पेंटिंग काफी उदासी भरी है और इस पेंटिंग को देखकर
बीमारी और मौत जैसे ख्याल आते हैं। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1945 में बनाई थी। उस टाइम पर फ्रीडा की हालत बहुत खराब थी और कई सारी सर्जरी से उन्हें गुजरना पड़ा था। इस पेंटिंग में वो डाइट दिखाई गई है जो फ्रीडा को स्ट्रिक्टली उनके डॉक्टर ने खाने को बोला था। पेंटिंग में एक बड़ा सा फनल दिखाया गया है जिसके जरिए खाना उनको दिया जा रहा है। इस पेंटिंग में फ्रीडा की कमजोरी और मजबूरी साफ नजर आ रही है। पेंटिंग में फ्रीडा ने एक स्कल को भी पेंट किया है जो साफ दर्शाता है कि वो जीने की सारी उम्मीद छोड़ चुकी हैं, और पेंटिंग का नाम भी विदाउट होप रखा गया है। ये पेंटिंग अब मेक्सिको में डोलोरेस ओल्मेडो के पर्सनल कलेक्शन में देखी जा सकती है। पांचवें नंबर पर आती है अ फ्यू स्मॉल निप्स। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1935 में बनाई थी। इस पेंटिंग में फ्रीडा ने अपने ऊपर हुए अत्याचार को एक दूसरी औरत की तबाही के रूप में पेश किया है। पेंटिंग में औरत अधमरी हालत में बेड पर पड़ी हुई है और उसका कातिल उसके पास में ही चाकू लेकर खड़ा है। इस औरत की अपर और लोअर बॉडी अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ी हुई है जिससे फ्रीडा ने इस औरत के ऊपर हुए अत्याचार को सिग्निफाई किया है। इस पेंटिंग का सीन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पर आधारित है जिसमें एक आदमी अपनी प्रेमिका का बार बार चाकू मारकर कत्ल कर देता है और कोर्ट में पेशी के दौरान कहता है आई जस्ट गेव हर अ कपल ऑफ लिटिल निप्स, मतलब मैंने तो बस उसको कुछ जगह नोचा है। ये पेंटिंग अब डोलोरेस ओल्मेडो म्यूजियम मेक्सिको में देखी जा सकती है। चौथे नंबर पर आती है द वुंडेड डियर। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1946 में बनाई थी। इस पेंटिंग में फ्रीडा ने डियर के सर की जगह अपना फेस पेंट किया है और ये डियर कई सारे तीर लगने की वजह से जख्मी हो गया है। अब पेंटिंग के बैकग्राउंड में आप देखो तो आपको पेड़ों की एक लंबी कतार मिलेगी और उन पेड़ों के पीछे आसमान में बिजली कड़क रही है। ये बिजली और खुला आसमान फ्रीडा को एक उम्मीद तो दे रहा है, लेकिन घायल फ्रीडा उन पेड़ों की कतार को शायद पार ना कर पाए। दोस्तों, इंटरेस्टिंगली इस पेंटिंग के पीछे भी एक कहानी छुपी हुई है। 1946 में ही न्यूयॉर्क सिटी में फ्रीडा के स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। फ्रीडा ने सोचा था कि इस ऑपरेशन के बाद उनका स्पाइन और बैक पेन पूरी तरह से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनकी सारी उम्मीद चकनाचूर हो गई। ये पेंटिंग उनकी नाउम्मीदी को बखूबी दर्शाती है। पेंटिंग के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो फ्रीडा ने कर्मा वर्ड लिखा है जिसका मतलब हम सभी जानते हैं डेस्टिनी या फिर तकदीर। अब ये पेंटिंग कैरोलिन फर्ब के कलेक्शन में शामिल है। तीसरे नंबर पर आती है द ब्रोकन कॉलम। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1944 में अपनी स्पाइनल कॉलम की सर्जरी के बाद बनाई थी। ऑपरेशन ने फ्रीडा को अधमरा सा कर दिया था और वो मेटल कॉर्सेट पहनने को मजबूर हो गई जो हम पेंटिंग में भी देख सकते हैं। यही कॉर्सेट उनको तेज और लगातार दर्द को कम करने में मदद करता था। पेंटिंग में ध्यान से देखो तो फ्रीडा एक बंजर मैदान के बीचों बीच खड़ी हुई है। उनके पूरे अपर बॉडी या धड़ पर यही मेटल कॉर्सेट्स लगी हुई है जो उनके स्पाइनल कॉलम को दे रही हैं। ये बेल्ट्स उनके धड़ को धराशायी होने से रोके हुए हैं। फ्रीडा ने अपने स्पाइनल कॉलम की जगह एक आयोनिक कॉलम को पेंट किया है जो जगह जगह से टूटा हुआ है और ढहने की कगार पर है। पेंटिंग में ध्यान से देखें तो इस पिलर का जो अपर कैपिटल है उसके ऊपर फ्रीडा का हेड या सर रखा हुआ है। उनकी पूरी अपर बॉडी पर जगह जगह कीले लगी हुई है जो ये सिग्निफाई करती है कि फ्रीडा ने लगातार दर्द को झेला है। इतने दर्द के बाद भी फ्रीडा के चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है। अब पेंटिंग से साफ जाहिर है कि फ्रीडा ने हम सबको इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहने के लिए इंस्पायर किया है। ये पेंटिंग भी डोलोरेस ओल्मेडो म्यूजियम मेक्सिको में देखी जा सकती है। दूसरे नंबर पर आती है सेल्फ पोर्ट्रेट विद थॉर्न नेकलेस एंड हमिंग बर्ड। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1940 में बनाई थी। इस पेंटिंग में फ्रीडा के बैकग्राउंड में बड़ी बड़ी ग्रीन लीव्स दिखाई पड़ती हैं। इस पेंटिंग में फ्रीडा एक कांटों से बना नेकलेस पहने हुई हैं, जो एक काले रंग के बंदर ने पकड़ रखा है। अब पेंटिंग को ध्यान से देखें तो फ्रीडा की नेक पर जो कांटों का नेकलेस है उसकी वजह से फ्रीडा की नेक पर घाव बन गए हैं और उन घाव से खून बह रहा है।
पेंटिंग के राइट में अगर देखें तो फ्रिडा के शोल्डर के पीछे एक काले रंग की बिल्ली नजर आएगी। उनकी थ्रोट पर एक हमिंग बर्ड लटक रही है जो एक नॉट के जरिए उनकी नेक पर बंधी हुई है। उनके चेहरे पर फिर से कोई शिकन नहीं है और वो दर्द को बखूबी सह रही हैं। अब ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा डीप है और इसमें कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करते हैं। बर्ड्स हमेशा से ही फ्रीडम को दर्शाती आई हैं। हमिंग बर्ड काफी कलरफुल होती है और आपको हमेशा फूलों के पास मंडराती हुई दिखेगी, लेकिन इस पेंटिंग में यही हमिंग बर्ड काले रंग से दिखाई गई है और एकदम लाइफलेस लटकी हुई है। ये हमिंग बर्ड काफी हद तक फ्रीडा की हालत को दर्शाती है। एक भयानक बस एक्सीडेंट के बाद से ही फ्रीडा की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। एक्सीडेंट के बाद उनकी बॉडी को ठीक करने के लिए लगभग 35 ऑपरेशंस हुए। ये ऑपरेशंस काफी दर्द भरे थे और फ्रीडा ने अपनी जिंदगी के कई साल बिस्तर पर बिताए हैं। ये पेंटिंग फ्रीडा की इसी पीड़ा को दर्शाती है। ये पेंटिंग अब हैरी रैंसम सेंटर टेक्सास में देखी जा सकती है। पहले नंबर पर आती है द टू फ्रीडाज। ये पेंटिंग फ्रीडा ने 1939 में बनाई थी। ये पेंटिंग फ्रीडा ने अपने हस्बैंड डीगो रिवेरा से डाइवोर्स लेने के बाद बनाई थी। अब इस पेंटिंग में फ्रीडा की दो अलग अलग पर्सनालिटीज देखने को मिल जाएंगी। इस पेंटिंग में दोनों फ्रीडाज एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। पेंटिंग में आप दोनों फ्रीडाज के दिल को देख सकते हैं। पेंटिंग के लेफ्ट साइड में बैठी फ्रीडा पुरानी फ्रीडा है जिनका दिल टूट सा गया है और उन्होंने अपने हार्ट की एक आर्टरी को सीजर से कट कर दिया है। इस आर्टरी से हम उनकी व्हाइट ड्रेस पर खून गिरता हुआ देख सकते हैं। जबकि पेंटिंग के राइट साइड में बैठी फ्रीडा एक मॉडर्न फ्रीडा है जिनका दिल इस सारे ही डिप्रेशन से उबर कर हील हो चुका है। दोनों फ्रीडास के दिल एक आर्टरी से कनेक्टेड दिखाई पड़ते हैं। ये पेंटिंग 1947 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स ने फ्रीडा से खरीद ली थी। अब ये पेंटिंग म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मेक्सिको सिटी में देखी जा सकती है। तो ये थी फ्रीडा की टॉप 10 पेंटिंग्स। आपने इन पेंटिंग्स में क्या नया देखा और इंटरप्रेट किया, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।